Hi guys, good morning. Welcome to the channel and welcome to the new vlog. This is your one and only Mansi Chaudhary and स्वागत है आपका आज के नए vlog में. Last vlog से तुम्हें पता ही लग गया होगा कि आज का vlog किस बारे में और मैं किधर जा रही हूँ. तो आज मैं जा रही हूँ अकेडमी देखने, हाँ, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करूँगी. लाइक अभी डिसाइडेड नहीं हुआ, मैं अभी जाऊँगी देखने, देखूँगी कि अकेडमी कैसी है, कैसी ट्रेनिंग कराते हैं, एवरी थिंग. उसके बेसिस पर आई विल डिसाइड कि शुड आई ज्वाइन इट और नॉट. तो अभी बज रहे हैं 11, सुबह के 11 बज रहे हैं. मैं 7 बजे उठ गई थी, तैयारी करी मैंने. अभी मैंने अपना बैग पैक किया है, अपना खाना रेडी किया, अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं एंड अपना लैपटॉप रखा है. ऑनलाइन क्लास है तो मैं ऑन द वे लगा लूँगी, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं उसमें. यहीं से डायरेक्ट अकेडमी देखने से डायरेक्ट मैं सीधा जाऊँगी जिम, क्योंकि मैं पहले घर आऊँ, फिर घर आके जिम जाऊँ, फिर जिम से घर आऊँ, 2 घंटे की वॉक, नो. तो व्हाट आई विल डू, मैं अकेडमी देखने जाऊँगी, अकेडमी से डायरेक्ट जाऊँगी जिम एंड देन जिम से घर. साउंड्स मोर कन्वीनियंट, राइट? तो गाइज मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है, तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय. लेट्स गो गाइज. So guys, here's the academy I was talking about. And here's our master. So do you want to introduce yourself? Hi, this is Master Sam from Taekwondo Masters Academy. So I just met him and guess what he loves? Gyor Pumse. Pumse. Oh, he just told me. Taekwondo! Okay, and here's Master Sam. That's Master, Master Sam. Sorry. Master Kim. And here's so, Master Kim. I'm Master Kim. That's me. I'm old, so I don't do much. I don't do taekwondo. He talks a lot. He's not talking here. Yeah. So guys, I'll take a leave from here and I'll let you know whatever happened. So ये देखो guys, late हो गई हूँ मैं और मेरी क्लास चल रही है तो मैं सड़क के कोने पे बैठ के अपनी क्लास अटेंड करूँगी. तो पहली बस से उतर कर मैं सेकंड बस का वेट कर रही थी यहाँ पर और उसने आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगा दिए. तो गाइज मुझे अभी यहाँ के बसों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने सोचा था कि अकेडमी से ना सीधा मैं जिम जाऊँगी. तो एक मिनट रुको, अच्छा रुक जाओ. तो क्या हुआ, तो मैंने लोकेशन डाली तो जो बस दिखा रहे थे उसमें मैंने वही बस ली. मैं इतना घुमा के गई ना बस, मुझे 3 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते. सो इरिटेटिंग. और अब भी मुझे 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है जिम. आई रियली हेट दिस बस सिस्टम है. आई लुक टायर्ड एज हेल. चलो यार तुम भी चलो मेरे साथ वॉक करते करते जिम में. बस यही अच्छा है यार यहाँ पर व्यूज. और अभी मुझे जिम जाके वर्कआउट भी करना है, फिर वहां से 1 घंटा पैदल चल के भी आना है. तो देख रहे हो तुम कितनी स्ट्रगल, पर मैं गेनिंग करके रहूंगी, तुम भी देख लेना. तो चलो मेरे साथ मोटिवेट होने. तो गाइस फाइनली चलते चलते मैं पहुंच गई थी अपने जिम. वहां पर जाकर मैंने 2 से 3 मिनट का लिया रेस्ट एंड देन अपना वर्कआउट स्टार्ट किया. और पहले अपना किया बाइसेप फ्लेक्स ताकि देखने के लिए वर्कआउट के बाद कुछ रिजल्ट आएगा या नहीं. एंड सैडली नहीं आया था. थोड़ा टाइम लगेगा, कंसिस्टेंट रहूँगी तो दोबारा से मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. और अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें अपना जिम एज प्रॉमिस्ड. तो गाइस दिस इज़ माय जिम. और तुमको कुछ अलग नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जिम इंडियंस का ही है क्योंकि 99% यहाँ की आबादी सारी इंडियंस ही हैं. और यार मैं लेट हो गई थी, 5 बजे के बाद पहुँचे जिम तो इट वाज़ रियली रियली क्राउडी. तो 1.5 घंटे के अंदर मैंने अपना किया वर्कआउट ख़त्म और अपने नए KPNP के शूज़ करे फ्लेक्स. आई होप यू लाइक डेट. और अगर तुम्हें भी चाहिए तो जाकर फटाफट से अपने न्यू शूज़ ऑर्डर कर लो.
तो गाइस वर्कआउट हो चुका है मेरा और मैं जा रही हूँ वापस रूम पे, रूम पे करेंगे हम बात। तो गाइज़ रूम पर पहुंचते ही मैंने जो सुबह पास्ता बनाया था वही गरम किया क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो गाइज़ ये बनाई है पूजा ने मैगी, इसका मन कर रहा था। अब आइए दो दिन बाद अपना मुँह दिखाने मेरे को। बाकी खाना बहुत अच्छा बनाती है तो अभी खाते ही मैगी भी, उसके बाद मुझे मिलते हैं। हाय गाइज, कैसे हो तुम लोग? तो अब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। जिम से आके मैं नहाई थी, देन पास्ता खाया, उसके बाद यार इस पूजा ने मुझसे मैगी खिला दी। इतनी मेहनत करके आई हूँ और इसने मैगी खिला दी। चलो वो खा ली, उसके अलावा भी अपनी डाइट तो खाऊंगी मैं। नहीं खानी चाहिए यार, बस खा ली प्यार में खा ली, नहीं मैं खाती नहीं ये सब चीज़ें। और गाइज आज मैं गई थी अकेडमी में, तुमने भी देखा, आई मेट टू मास्टर्स, देवर कोरियंस। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ऑरा था वहाँ का। तो मे बी नो टाइम आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग देयर, क्योंकि माहौल भी अच्छा लगा। और ट्यूसडे को मैं जाऊँगी वहाँ पर एक ट्रायल ट्रेनिंग लेने, अगर मुझे वो ट्रेनिंग पसंद आई तो मैं वहाँ पर अपनी टाइकोंडो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँगी। और क्या बता रही थी, हाँ, और यार जिम में आज इतनी भीड़ थी ना क्योंकि मैं 6 बजे पहुंची थी, ऐसे जानवरों की तरह लोग भर रहे थे जिम में। तो इट्स बेटर कि मैं मॉर्निंग में ही जाऊं वर्कआउट करने, एंड आई डिड आर्म्स टुडे। तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती जो मुझे मास्टर किम ने बताई। उन्होंने बोला लाइक, मैंने उनको बताया कि मेरे को एक बाहर भी मिले थे, उन यूनिफॉर्म पहनी थी और वो कार में थे। ही सेड कि हाँ तुम अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट गुड द यूनिफॉर्म में ऐसे घूमना। मैं कहा हाँ जी, कहते वाई? मैं कहा बिकॉज इट्स डिसरिस्पेक्टफुल, जो हमारे कोच ने बताया यही बताया कि इट डिसरिस्पेक्टफुल ऐसे अपनी यूनिफॉर्म को ऐसे ले रहे हो, कुछ गंदा भी लग जाएगा, अच्छा नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड। तो उन्होंने हिस्ट्री बताई इस बात की, कहते बैक इन दोज टाइम्स जब लोग टाइक्वांडो मार्शल आर्ट सीख रहे थे ना, तो दे यूज़ टू रूम अराउंड, एंड जब वो अपनी यूनिफॉर्म में घूमते थे ना तो लोग उनसे जानबूझ के पंगे लेते थे कि हाँ चलो ये मार्शल आर्ट सीखता है, इससे इसको देखेंगे, इसके साथ लड़ाई करेंगे। बट द यू नो द मेन एम ऑफ लर्निंग मार्शल आर्ट इज़ टू डिफेंस योर सेल्फ, नॉट टू अटैक। तो इस वजह से ये चीज़ हो गई कि यू विल अपनी यूनिफॉर्म आप अपने ट्रेनिंग एरिया में ही पहनेंगे। तो ये हिस्ट्री थी, मुझे आज पता लगी इतने सालों के बाद। बाकी अगर इफ़ आई जॉइन देयर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं, और मुझे पता लगी तो तुम्हें भी पता लगेगी। हाँ वैसे मैं सच्ची बताऊँ, मेरे में हिम्मत नहीं थी ये रिकॉर्ड करने की भी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी इस टाइम। मैं लेटूंगी तो मैं सो जाऊँगी। तो व्लॉग आज का यहीं एंड कर दो। तो गाइज गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई लव यू गाइज सो मच। एंड बताना मुझे आज का व्लॉग कैसा लगा, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एक और बात, यहाँ के पानी से मेरे बाल बहुत खराब हो गए, देखो कैसे झाड़ू की तरह दिख रहे हैं। इट्स गेटिंग वर्स, कुछ करना पड़ेगा अपने हेयर्स का। तो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।